नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉय के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका टेन्योर था साल 1813 से 1828 तक, और इनके टेन्योर के कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स ये हैं। लॉर्ड हेस्टिंग एंडेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इनसे पहले जो भी गवर्नर जनरल थे वो टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होते थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे सब्सिडरी अलायंस हो या रिंग फेंस पॉलिसी हो, इन सभी पॉलिसीज में डायरेक्ट वॉर नहीं थी। पर इसको चेंज किया लॉर्ड हेस्टिंग ने और कई सारे वॉर्स में इन्वॉल्व भी हुए। एग्जाम्पल के तौर पर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, विच लेड टू डिफीट ऑफ मराठास एंड द अबोलिशन ऑफ पेशवाशिप। और लॉर्ड हेस्टिंग ने इस पॉलिसी को नाम दिया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। लॉर्ड हेस्टिंग ने इंडियन स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में भी इंटरफेयर शुरू कर दिया था, जो इससे पहले नहीं हुआ करता था। और इस इंटरफेरेंस का रीज़न लॉर्ड हेस्टिंग ने ये दिया, क्योंकि भारत के स्टेट्स बहुत कैपेबल नहीं हैं खुद को गवर्न करने के लिए। दैट्स वाई ब्रिटिश विल इंटरफेयर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। वाह, क्या रीज़न था। तो पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी से ये हुआ कि जो पावर्स थी वो सेंट्रलाइज हो गई इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। और साथ ही साथ ये पॉलिसी लोकल रूलर्स की अथॉरिटी को भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर दी थी। लॉर्ड होस्टिंग ने ही क्रिएट करी बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1818। रउवतवारी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया था इन मद्रास प्रेसिडेंसी इन द ईयर 1820 बाय द गवर्नर थॉमस मनरो। चलो समझते हैं रउवतवारी सिस्टम को। रउवत का मतलब होता है पेजेंट्स कल्टिवेटर्स, यानी कि सिस्टम में फार्मर्स एंड पेजेंट्स को लैंड की ओनरशिप दे दी गई थी और ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट फार्मर से टैक्सेस लिया करेगी। सो मतलब ये हुआ कि रउवतवारी ने मिडलमैन और जमींदार का सिस्टम खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रउवतवारी सिस्टम से फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा है? अब यहाँ भी कैच है, जो ब्रिटिश सरकार टैक्सेस इम्पोज करी थी वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे थे और टाइम के साथ बढ़ते भी थे। तो इस वजह से फार्मर्स को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था और मनी लेंडर्स पैसे तो दे देते थे पर इंटरेस्ट बड़ा हाई लगाते थे। तो इसी वजह से फार्मर्स की प्रॉब्लम इस सिस्टम के बाद भी बनी ही रही। और आखिर में जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस भी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा फॉर्म करी गई थी इन द ईयर 1823। तो ये थे इंपॉर्टेंट इवेंट हेस्टिंग के टेन्योर के दौरान। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। आप अपने कोई भी डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।